हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको यूट्यूब के बारे में बताने वाला हूँ कि यदि आपने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको क्या मिलता है। तो यूट्यूब पर आपको 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के बाद आपको दोस्तों काफ़ी कुछ मिल जाता है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। यूट्यूब पर आपके 100 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट होने के बाद दोस्तों आपको अपना कस्टम URL इनेबल करने का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों कस्टम URL कैसे इनेबल करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने क्रोम ब्राउजर में जाइए और वहां पे यूट्यूब को ओपन कीजिए। यूट्यूब को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको पूरी सेटिंग्स बता रहा हूं। दोस्तों लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। दोस्तों जरूर कर लेना, क्योंकि कस्टम URL इनेबल करने के बाद ही आपका चैनल का नाम लोगों के सामने अच्छी तरह से जाएगा, वरना http. ऐसे कुछ जाता है वो अच्छा नहीं लगता दोस्तों। तो जैसे आपने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन किया, यूट्यूब ओपन किया, उसमें तो आपको यहाँ कोने में ऊपर अपना चैनल का लोगो दिखाई देगा। उस लोगो पे टिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो दिखाई देगा, इस पर आप टिक कीजिए। इस पर आप टिक करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, ये खुल जाएगा। दोस्तों जैसे ही आपने देखा कि आपका, देखो ये दोस्तों क्रिएटर स्टूडियो में आपका ये इंटरफेस ओपन होके आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे जो सभी ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन लास्ट से ऊपर वाला जो यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। इस पर टिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऐसे कुछ ओपन होके आएगा। दोस्तों आपको कस्टम URL इनेबल करना है, तो इसलिए आपको बेसिक इन्फो में जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको नीचे कस्टम URL का एक ऑप्शन दिखाई देता है। आप इस कस्टम URL के ऑप्शन पे टिक करके, जैसे ही आपके यहाँ पे, जैसे मैंने अब यहाँ पे अपना देसी ड्यूड 92 कर रखा है, यदि आप इसको रखना चाहें तो ठीक है, यदि आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए सिंपली दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको इसके ऊपर टिक करना है। इस पर टिक करके आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी यदि आप लगाना चाहें तो आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहां से आप इसको टिक करके इसके अंदर अपना कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे अब मैंने डाल रखा है देसी ड्यूड, अब मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो पहले इसको मैं यहां से डिलीट करूंगा। डिलीट करने के बाद फिर मैं इसको अपना चेंज कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये आप यदि अपने दोस्तों के पास लिंक भेजेंगे अपने इसका चैनल कस्टमाइज करके, तो आपको कुछ ऐसे जाएगा http://youtube.com/ आपका चैनल का जो नाम आप जो देना चाहते हैं वो जाएगा। वो दोस्तों देखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, दूसरों को समझ में भी अच्छी तरह से आता है वो। तो इसलिए दोस्तों आपको ये चैनल की सेटिंग अपनी जरूर कर लेनी चाहिए यदि आपके 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं तो। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है दोस्तों, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे को यूट्यूब की तरफ से मैसेज भी आया हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन एक्सेप्टेड इन टू द यूट्यूब पार्टनर्स प्रोग्राम। तो दोस्तों मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी और आप इसको ज़रूर करके देखेंगे। तो दोस्तों और भी कोई यदि आपको क्यूरी है तो प्लीज़ मेरे को मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपकी उसको हर प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।